है कंसेप्ट्स ऑफ एक्टिव मार्क्स, हेडिंग कंसेप्ट ऑफ एक्टिव मास। देखिए जब हम शुरुआत में केमिकल इक्विलिब्रियम जब डिस्कस कर रहे थे, जब बन रहा था ये चैप्टर, तो हमें ये चीज़ पता चली कि जो केमिकल रेट है, यानी कि जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होने की रेट है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और कई सब्सटेंस के लिए डिपेंड नहीं करती, यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए ये जनरली डिपेंड नहीं करती थी। तो हमने एक नया कंसेप्ट लिया, यानी उस कंसंट्रेशन को हमने क्या नाम दिया, एक्टिव मास। तो या आसान भाषा में इसको समझिए, एक्टिव मास की अगर डेफिनेशन आप बनाएं तो ये एक तरह से कंसंट्रेशन है, इट इज ए, लिख लीजिए, इट इज ए इफेक्टिव, इट इज ए इफेक्टिव अमाउंट और कंसंट्रेशंस, और कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स। देखिए आसान भाषा में समझो, सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उसमें से मैंने 90 लाख किसी को उधार दे रखे हैं जो आने के नहीं है, तो बताइए मेरी पावर क्या है, 1 करोड़ या 10 लाख या 90 लाख, 10 लाख जो वास्तव में मेरे पास है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट है लेकिन वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, वो सब नीचे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, पीपीटी के रूप में नीचे बैठा हुआ है प्रेसिपिटेट में। तो क्या वो एक्टिव मास में काउंट होना चाहिए, नहीं। तो इस तरह से रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसका पूरा मास आपको जरूरी नहीं है कि यूज हो पाएगा। तो एक्टिव मास की डेफिनेशन ये, इट इज़ ए इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। अमाउंट और कंसंट्रेशंस, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कंसंट्रेशन में लो, पार्शियल प्रेशर में लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में रेट उस पर डिपेंड करती हो। तो कैसे लिखेंगे, इन जनरल एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड वी एज्यूम दैट वन, यानी सॉलिड लिक्विड के अमाउंट जो होते हैं ना गैसेस रिएक्शन में खासतौर पर, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, तो हमने उनका एक्टिव मास क्या मान लिया, वन, यानी इन पर डिपेंडेंसी क्या हो गई, कुछ भी नहीं है, वन का मतलब एक कॉन्स्टेंट हो गया, तो इज एज्यूम वन। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक कंटेनर है, ये जिसमें ये CaO है और कुछ CaCO3 है, तो CaO भी है और CaCO3 भी है, मान लीजिए ये W1 ग्राम है और ये क्या है W2 ग्राम, और यहां कुछ गैस बनी हुई है जिसका नाम है CO2। समझ में आ रहा है, तो CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है हीटिंग करने पर CaO प्लस CO2। तो बताइए ये सॉलिड है, हाँ, CaO सॉलिड है, हाँ, CO2 सॉलिड है, नहीं, ये गैस है। तो एक्टिव मास अगर हम बात करें तो हमने एक्टिव मास को इस तरह से बनाया, CaCO3 हम इसको क्या बोलेंगे, वन, क्योंकि सॉलिड है, CaO के लिए क्या बोलेंगे, वन, और CO2 के लिए क्या बोलेंगे, यहां हमारे पास मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ये गैस है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये V लीटर है, कितना है V लीटर, तो
बताइए CO2 का मोलर और टेम्परेचर वगैरह सब दिया गया है, STP कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आप बता सकते हैं CO2 का एक्टिव मास कितना हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने होंगे, वी लीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय वी, वॉल्यूम इन लीटर। ये वी से वी क्रॉस हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल पर लीटर। यानी अगर कंटेनर में सिर्फ एक ही गैस है CO2 यहाँ पर, और STP कंडीशन दे रखी है, तो आपके पास उसका एक्टिव मास भी फिक्स है और वो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 22.4। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे क्या एक्टिव मास चेंज होगा, हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये STP पर है। तो यहाँ एक छोटी सी बात थी जो आपको मैंने समझा दिया, बाकी सबका एक्टिव मास कितना है, 1 1। तो ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, तीनों का एक्टिव मास आपको पता चल गया। एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, जहां आपके पास N2 गैस है, H2 गैस है, अमोनिया गैस है। मान लीजिए ये 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है और ये 30 ग्राम है, समझ में आ रहा है। तो सब और वॉल्यूम जो दे रखा है वो 10 लीटर है कंटेनर का, तो सभी का एक्टिव मास निकालने को बोल रहा है। सबसे पहले आपने N2 का निकाला, कैसे निकालोगे, और H2 का निकालो और अमोनिया का भी निकाल के दो। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या ये गैस है, हाँ ये गैस है, हाँ ये गैस है, हाँ। अगर सॉलिड लिक्विड होता तो इक्वल क्या करके कर देते, 1। आ रही है बात समझ में। अब एक्टिव मास N2 का कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 28। H2 का कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 2। और अमोनिया का कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 17। ये तो मोल हुए, ये एक्टिव मास नहीं है। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करके मोल आ गया, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके आपके पास क्या आ जाएगा, एक्टिव मास। और एक्टिव मास की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, मोल पर लीटर, जिसको आप कैपिटल एम भी बोल सकते हो, जिसको आप मोलर भी बोल सकते हो, बात एक ही है, मोल पर लीटर, मोलर और कैपिटल एम सेम थिंग है। बार बार मैं बोलता हूँ, लिख लीजिए इसको।